हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोडिंग मशीन की पूरी जानकारी। इस वीडियोस में हम आपको जानकारी देंगे कि कोडिंग मशीन किस तरह से वर्क करती है और कितनी वैरायटीज आती है इसमें। सबसे पहले आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में जो है, और काफ़ी जो छोटे लोग जो होते हैं, जो बजट में, जो उनके पास पैसे नहीं होते, कम बजट के कारण वो स्टैम्प जैसी जो है 2500-2600 की मशीन लेके शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं थोड़ी हैवी, जो 17-18 हज़ार रुपये की मशीन आती है, जिसका बदला 17-18 हज़ार रुपये है, उसमें जो कौन कौन सी मशीनें आपकी आ जाएंगी मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मिनी पोर्टेबल मशीन है। इससे क्या है, आप QR कोड भी प्रिंट कर सकते हैं, MRP भी प्रिंट कर सकते हैं, बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह की ये प्रिंट देता है और किस तरह से इसको यूज करते हैं। उसी में दूसरी आ जाती है हैंडेड वाली, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का भी आप हैंडेड ले सकते हैं। इसमें एक खूबी ये होती है कि इस मशीन से ज़्यादा खूबी इस वजह से, इस मशीन पे आपको कन्वेयर भी लग जाता है। कन्वेयर मीन्स कि जैसे आपने प्रोडक्ट ऐसे डाल दिया, प्रोडक्ट सामने से जब निकलेगा तो इस पे जो है प्रिंट कर देगा। तो कन्वेयर इस तरह से वर्क करता है, ये कन्वेयर पे भी ये मशीन वर्क चल जाएगी। अगर किसी को हैंड में छोटा पोर्टेबल टाइप का चाहिए ईजी यूज़ करने के लिए, तो ये छोटी मशीन हमसे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी चला के हम आपको दिखाएंगे, हम बात करते हैं इसमें कितनी सारी मशीनें आती हैं। जैसे कि आपने ये देख ली डिजिटल वाली हो गई, इसमें डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, और उस पर आप जैसे जो भी चीज़ सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई अलग से आपका लोगो है तो वो भी आप जो कंप्यूटर के थ्रू जो है, इसमें जो पेन ड्राइव के थ्रू आप इसमें डाल के उसको प्रिंट कर सकते हैं। और जो कोडिंग मशीनें आती है, जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-4 कोडिंग मशीनें और आती है, जैसे कि आपको रिबन कोडिंग में क्या होता है, मैनुअली टाइप का भी आता है, एक मोटराइज भी आता है। मोटराइज मीन्स कि आपने पाउच डाला और मोटर के जरिए जो है वो वर्क करता है, आपको हैंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एक और कोडिंग तरीके से आती है, जिसमें आप जो देखा होगा स्रिंक वाली कोडिंग आती है, उसमें आप पाउचेस गड्डी तरह के बना के डाल देंगे और वो प्रिंट करके निकालता चला जाएगा। तो वो मशीनें 36-37 हज़ार रुपये की रेंज में आपकी चली जाती है। तो हमारा मोटिव ये था कि हम आपको दो मशीनें दिखाएं। अगर किसी को भी बजट है अपना, तो 4000 की भी मशीनें हैं मेरे पास, 2000 की भी मशीनें। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको PDF भेजूंगा, उस PDF में आप देखेंगे कि हर मशीन का पिक्चर, रेट, वारंटी, क्वालिटी मेंशन होगा। कुछ अगर जानकारी चाहिए कि जो मशीन आपको समझ में आता है, आप उसकी वीडियोज़ हमसे मंगवा सकते हैं। अब हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं ये कैसे यूज़ होता है और इसकी प्रिंट कैसी होती है, ये और किस किस प्रोडक्ट पर जो है ये प्रिंट वर्क करता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी जो है छोटी सी मशीन है, इसके अंदर हमने कार्ट्रेज डाला हुआ है, जो HP का कार्ट्रेज आता है। मैं आपको एक कार्ट्रेज निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का कार्ट्रेज होता है ये, ठीक है। इसका इस तरह का पैकेट होता है, ये इस टाइप से पैकेट होता है। ये HP लिखा होता है, ओरिजिनल सॉल्वेंट कार्ट्रेज होता है। आप इसको जो है किसी भी आइटम पे, जैसे पाउच, PVC, मेटल, किसी भी बॉडी पे प्रिंट करोगे ना, तो ये आपका फेड नहीं होगा, मतलब मिटेगा नहीं, ठीक है। अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, इस वाली मशीन में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। हमने ऐसे कार्ट्रेज लगाया, लगाने के बाद ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ये देखिए, इसमें बटन दिया हुआ है स्विच ऑन ऑफ का, ये देखें। ये देखें, यहाँ से ओपन कर देंगे इसको हम। इसका ढक्कन होता है, ये इसलिए होता है कि कार्ट्रेज सूखे ना। ये छोटी वाली मशीन में ये फंक्शन होता है ढक्कन वाला, बाकी बड़ी मशीन में आपको कार्ट्रेज जो 30 मिनट तक अगर यूज़ नहीं करे तो निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देखें, इस तरह का स्क्रीन आ जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें अशरफ इंटरप्राइजेस फेड किया हुआ, और हमने पहले से प्रिंट भी किया है, आपको करके भी दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह का हमने इस पर जो है प्रिंट किया है। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ब्लैंक पाउच है, इस पर कुछ भी प्रिंट नहीं है, और इस पर हमने फेड किया हुआ है। हमने स्टार्ट प्रिंट कर दिया यहाँ से, ये देखिए, स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, ये देखें, टच स्क्रीन वाला सिस्टम होता है सारा। स्टार्ट स्टॉप का बटन होता है, एडिट का बटन होता है, फाइल का बटन होता है। तो इस तरह से आप इसको वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हम दबाएंगे, ये देखिए, हमने स्टार्ट करवा दिया है, और यहाँ से चालू करेंगे। अब प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल पाउच है, इस पर हम रखेंगे इस तरह से, ये देखते हैं, ये देखिए, ये किस तरह से प्रिंट किया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पे अशरफ इंटरप्राइजेस और 8178 मोबाइल नंबर, 517 ऑफिस एड्रेस, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये सूख जाएगा, क्योंकि इमिडिएटली आपने प्रिंट किया और इमिडिएटली आप उसको टच करेंगे तो एक तो ठंड का मौसम है, उस वजह से जो है थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो 2 से 10 सेकेंड जो है आप इसको छोड़ने के बाद आप इसको फेड कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपका ये मिटेगा नहीं। मैं चाहूँगा आपको दिखाना, जैसे हमने प्रिंट किया इस पर, ये देखिए, ये इस पर मिटेगा नहीं, ये देखिए। एक बार और मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक बार और मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इस पाउच पे ही चला के दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ब्लैंक है बिल्कुल, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं है। यहाँ पे हम, ये देखिए, ये आपका प्रिंट हो गया, इजी ऑपरेट प्रिंट हो गया। अब मैं आपको किसी और चीज़ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ और आइटम पर दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आइटम है, ये देखिए आपका, देखिए इस पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे, इसको जब ऐसे चलाएंगे तो प्रिंट कर देगा। ये देखिए कितने शानदार तरीके से ये प्रिंट कर देता है।
अब आप बोलेंगे तो मैं बोतल पे भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे आप बोतल देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे बोतल, कुछ भी प्रिंट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस पर प्रिंट हो चुका है। और हमने देखिए इसके पीछे भी प्रिंट किया है, ये गहरा है, सरफेस एक जैसा नहीं है, फिर भी इस पर प्रिंट हो गया। आप जब आएंगे तो मैं आपको इजी जो है, जो आप आएंगे मेरे ऑफिस में तो आपको मैं पूरा डेमो दूंगा। जिस भी प्रोडक्ट पे करना है वो प्रोडक्ट आप अपने साथ लेके आए मेरे पास, मैं उस प्रोडक्ट पे सेम टू सेम हूबहू करके दिखाऊंगा। ये तो आपकी हो गई है, अब जो मैंने रेंज बताया कि 16-17 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, ये वो मशीन है। और वारंटी भी हम आपको 1 साल की देते हैं, HP का कार्ट्रेज देते हैं। दूसरी चीज़ ये बेस्ट क्वालिटी की मशीन देते हैं, वो लोकल वाली चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम आपको क्वालिटी अच्छी वाली देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वाली, ये देखिए एक ये है, इसको हम यहाँ से बटन ऑन करेंगे, ये आप देखें इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। इसको चलाने का तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में ले आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए MRP है, MRP को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से लिख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो। इसको मैं सेट करके यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। ये आप देखिए कंपनी का नाम, जैसे मैंने डाला है अशरफ इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी कर सकते हैं, पैक डेट भी डाला। अब मैं इसको भी चला के दिखाता हूँ, मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, प्रिंट क्लिक करना है। अब मैं आपको कार्ट्रेज लगा के इसमें भी दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कार्ट्रेज है, इस कार्ट्रेज को हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये कार्ट्रेज निकल गया। निकलने के बाद इस कार्ट्रेज को वापस जो है, ये देखिए ऐसे हमने लगा दिया। लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से हम स्विच, ये ऑन ऑफ का बटन है, मैं दोबारा से ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये ऑन होने के बाद ये स्क्रीन ऐसा आ गया, यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे, प्रिंट क्लिक कर दें, यहाँ पे ऐसे के स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इस डब्बे पे, जैसा ये डब्बे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह का प्रिंट आया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए प्रिंटिंग देख सकते हैं। ये मैंने जैसे MRP किया है, मैन्युफैक्चरिंग बाय अशरफ इंटरप्राइजेस, ENT लगा दिया है, पैकिंग डेट डाल दिया 04/02/2023। ये क्वालिटी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी आपको जो है ना किसी प्रिंटिंग में नहीं आने वाली है। तो किसी को भी इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे ऑफिस दिल्ली में विजिट कर सकते हैं, दूसरा ऑफिस हमारा बिहार में है, तीसरा ऑफिस हमारा बॉम्बे में है। तो आपको किसी भी ऑफिस में आप विजिट करना है, आप आराम से कर सकते हैं, ये मशीन हमसे खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जैसे कि मैंने 2-4 और कोडिंग की मशीनों का नाम बताया है, तो किसी को चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, और उसकी वीडियो डेमो के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे मंगा सकते हैं। ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑफिस मेरा नियर में इंदरलॉक मेट्रो पड़ता है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, एयरपोर्ट से आपको लंबा पड़ जाएगा।